हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? श्री स्वामी समर्थ आप सबको। आई होप आप सब ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो आज बहुत टाइम बाद बाहर जाने का कुछ प्लान बना है और एक सेलिब्रेशन है जिसमें मैं जा रही हूँ। मैं ही जा रही हूँ क्योंकि बच्चे सो गए हैं। बच्चे आज थोड़े लेट सोए, मतलब 4:45 5 बजे वो सोए। तो अभी बजे है 8:30, 8:30 हुए हैं और वो उठे नहीं हैं। तो फिर उनको ऐसे आधी नींद में लेके जाना भी अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि दिव्यांश का स्कूल जब से शुरू हुआ है ना, जैसे ही स्कूल शुरू हो जाता है वो बीमार पड़ना शुरू होता है। यहाँ के हर एक बच्चे का यही है। तो वेदर की वजह से एक दूसरे का इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को, तो उस वजह से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और जैसे यहाँ पे ठंड बढ़ गई है, बारिश रोज़ की हो रही है और रोहित को अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है काम पे। लेट नाइट वो आता है, मतलब 7:30 8 बजे वो आता है। तो उसको भी 2-3 दिन से अच्छा नहीं है। उसको भी बुखार है, सर्दी खांसी वो सब है। तो इस वजह से क्या है, तीनों भी नहीं आ रहे और मैं ही अकेले जा रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ, देखिए दिव्यांश वहाँ सोया है और अभी बजे है 8:30। मायरा यहाँ सोई है और रोहित को भी ठीक नहीं है। तो रोहित भी नहीं आ रहा है। वो बोल रहा था, मतलब मैं सोच रही थी या तो मैं जाऊँ या तो वो जाए, लेकिन जैसे आज का ओकेजन बहुत स्पेशल है और ब्लॉग तो बनता ही है, तो उस हिसाब से मुझे जाना ज़रूरी है, तो मैं निकल रही हूँ। अब ओकेजन क्या है वो मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊँगी। और क्या सेलिब्रेशन है, धमाल कितनी करते हैं, क्या खाना खाते हैं, वो सब कुछ मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ ना, क्योंकि ये दोनों भी सोए, तो सब कुछ मैं इस व्लॉग में बताऊँगी। और सेलिब्रेशन किस चीज़ का है वो भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो मुझे कोई पिक करने के लिए आने वाले हैं, तो वो पिक करेंगे और फिर हम वहाँ पे जाएंगे। फिर आगे का मैं बाहर ही दिखाऊंगी जहाँ पे हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा व्लॉग देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा कि यहाँ पे सेलिब्रेशन, जैसे मैंने बर्थडे का तो दिखा दिया कि इंडियंस कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे आज का भी जो सेलिब्रेशन है वो भी धमाल होने वाला है। तो आप पूरा व्लॉग देखिए और थोड़ी देर के बाद मैं दिखाती हूँ। ओके, तो मैं डेस्टिनेशन पे आ गई हूँ। आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस चीज़ का सेलिब्रेशन हो रहा है। और मुझे बुरा लग रहा है कि बच्चे नहीं आ पाए और रोहित नहीं आ पाया, लेकिन क्या करें। अगर मेरी बहुत ही क्लोज दोस्त का अगर कोई सेलिब्रेशन है तो एटलीस्ट घर का एक इंसान तो रहना चाहिए। तो मैं आ गई हूँ और अब मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। और देखिए यहाँ पे थोड़ी सी डिस्को लाइट चल रही है ना, तो कहीं डिस्को पब या तमाशा वाला व्लॉग तो आपने देखा होगा, वहाँ पे नहीं आई हूँ मैं। मैं दिखाती हूँ अब मैं कहाँ आई हूँ। ये सारा जो आज का सेलिब्रेशन है वो है हमारी मैडम श्रद्धा और भाई साहब कृष्णा के एनिवर्सरी का। आज उनकी फोर्थ एनिवर्सरी है और हम सब फ्रेंड्स यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए जमा है। डेकोरेशन तो आपने देख लिया ना, ये वहीं पे हो रहा है जहाँ पे प्रीतपाल भाई का हमने नहीं दिखाया था व्लॉग, जो इंडियन रेस्टोरेंट दिखाया था उसी का ये हॉल है, जो मैंने शायद व्लॉग में भी दिखाया था बैक साइड वाला। और देखिए डेकोरेशन किया है, ये केक है, मैडम श्रद्धा बहुत ही खूबसूरत कल बाल उसके, ओ मेहंदी भी लगाया है और अच्छे से गाउन वगैरह पहना है। हाँ अच्छी लग रही है, थैंक यू, सबने बोल दिया, देख कमेंट में आ गया फटाफट। ओके हम लोग गाते हैं, चलो। हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी डियर कृष्णा श्रद्धा, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, गॉड ब्लेस यू बोथ, झुक झुक जियो। Yeah.
जानवी तू पी जा ऐसे नहीं हो शादी वाली वीडियो लेते एक एक को ऐसे दिखाते हाँ चलो फोटो हाँ वही तो नाइस नाइस वेरी नाइस हाँ बिल्कुल बिल्कुल तीन लोग होने चाहिए नहीं तो सिकिनन क्लब में नो एंट्री नो एंट्री यूट्यूबर वधू वाले चलो पकड़ो हाँ वेरी गुड
केक कटिंग हो गया, मतलब पीसेस में सबको बांटेंगे और खाएंगे भी। और खाएंगे। ये देखो लव बर्ड्स। आगे कर दो कैमरा, आगे कर। ओके थैंक यू। देखो अभी इन लोग का चल रहा है, श्रद्धा भी इतनी भूल गएगी। हाँ भूल गई वो गिफ्ट जो भी कृष्णा के लिए लाना था, मतलब गिफ्ट लाया है उसने लेकिन वो घर पे भूल गई। चलो चलो फास्ट फॉरवर्ड हो गया ये, अभी तेरे संग यारा बाकी है, रुको। इस साइड आओ, इस साइड आओ। सॉन्ग फील करना, प्यार में डूब जाओ, प्यार में डूब जाओ। चलो ये माँ बेटी पूजा, इस साइड, इस साइड पूजा। Lela, oh Lela.
देखो ये डांस स्टाइल अलग है, ये वाला अलग है। संगीत कुर्सी हो गया हमारा खेल के, और कपल डांस हो गया इन लोगों का, डीजे पे डांस किया, मतलब थोड़े डिस्को वाले डांस, सब कुछ हो गया। अभी आया है खाना,
देखिए खाना आया है, क्योंकि बहुत सारी मेहनत होगी ना, अभी खाना भी बहुत जाएगा। तो ये जिया और आचो नेम आर्ची, ये हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर है, और जिया को शालू आंटी के साथ एक व्लॉग बनाना था, लेकिन पूरा व्लॉग तो नहीं हम बना पाए, लेकिन एक डांस जिया का तो ज़रूर बनता है। तो जिया शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, नाउ शी इज गोइंग टू डांस यस फॉर अ व्लॉग। सो विच सॉन्ग जिया? राता लंबिया पे वो गाना, उस गाने पे वो डांस करेगी। तुझे तेरे दीदी के पास वीडियो करना है, सो गो एंड डांस। वाओ कैसे राता सावरे जिया नहीं जाता सुबावरे लंबिया लंबिया रे संगिया संगिया रे अभी सब गरबा वगैरह हो गया, सब नाच गाना हो गया हमारा, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया सबने, खाना खाया, धमाल की, गरबा किया, डिस्को किया, कपल डांस किया, म्यूजिकल चेयर किया, सब कुछ सब कुछ। और जिया ने बहुत अच्छा डांस किया, तो हर एक चीज़ हमने ये ब्लॉग में देख ली। तो अब टाइम है, टाइम टू गो होम। तो अभी 11:30 से भी ज़्यादा हो गए, 35 हो गए, और अब हम सब आपको बाय बोलते हैं। सब्सक्राइब कोकन टू केन्या, सब्सक्राइब टू कोकन टू केन्या चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मेरा एनिवर्सरी का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, बिल्कुल। चलो तो सबने बाय कर दिया, ब्लॉग आपने पूरा देखा, ब्लॉग कैसा बना वो आप जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अफ्रीका में जो भी नई चीज़ें हो रही है मैं आपको देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये सारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, और ये पटाखे नहीं फूट रहे, ये बलून्स फूट रहे हैं। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए श्री स्वामी समर्था, बाय।